गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फर्स्ट वेलकम ऑन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पद्मश्री अकेडमी फर्स्ट टेल मी अबाउट योर रजिस्टर्ड क्लासेज वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज अप्रॉक्स नाइन्टी परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स सेंड देर आंसर्स ऑन टीचर्स व्हाट्सएप अकाउंट मेन नाइन्टी परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने क्लास अटेंड कितना नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो वर्क हमने दिया था उसको घर पे सोल्व किया एंड आफ्टर दैट दे सेंड द आंसर्स ऑन टीचर्स पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट उन्होंने उसके बाद में जो आंसर्स थे वो टीचर्स के जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर भी सेंड किया था हमें बहुत अच्छा लगा जैसे अगर आप ऐसे हमें कॉर्पोरेट करो तो हमें भी हमें भी थोड़ा थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है ताकि हम बच्चे इतना ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी और अच्छा करना चाहिए थैंक यू फॉर दिस अब आप देखिए आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आज हमारी क्लासेज है वो हमारी क्लास होगी मैथ्स की और एक मैं रिक्वेस्ट और करूँगा पेरेंट्स से प्लीज़ नाइन्टी परसेंट जो स्टूडेंट है ना उसमें से थोड़े से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आंसर सेंड नहीं कर रहे हैं हमें जो वर्क हम दे रहे हैं उनको सही ढंग से सोल्व नहीं कर रहे हैं शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस हो रहा है तो प्लीज़ आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए वीडियो आपके पास रहता है आप उसको चाहे कितने बार भी देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप उसको टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम्स आपको जब तक जिस समय नहीं आ रही है तब तक आप उसको आराम से देखिए फिर भी अगर आपको समय में नहीं आ रहा है तो आप टीचर्स से डिस्कस कर लीजिए नो प्रॉब्लम बट जो टेन परसेंट जो पीछे जो तो पीछे स्टूडेंट्स हैं ना जिनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं प्लीज़ आप भी अपने आंसर्स है ना हमें सेंड कीजिए हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी ऑब्बियसली कुछ ना तो कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा ओके थैंक यू नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर क्लास येस चैप्टर नेम इज़ इंटीजर्स वाट इज द नेम ऑफ चैप्टर इंटीजर्स देखो इंटीजर्स है न एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको चीज़ों को सही ढंग से समझना पड़ेगा और थोड़ा सा कहते हैं ना कि कन्फ्यूज वा, कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट जितने भी इसके होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आज के बाद आपके जो भी इंटीजर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आज के बाद कभी भी रोक नहीं होगा ओके नाउ स्टार्ट द लेसन तो देखो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स जस्ट अ सेकेंड यस फर्स्ट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटीजर्स व्हाट इज इंटीजर्स इंटीजर्स होता क्या है इंटीजर्स किसे कहते हैं या आपको क्लास सिक्सथ सेवंथ एंड एट्थ तीनों के अंदर आपको मिलेगा ऑब्वियसली नाइन्थ एंड टेंथ क्लास में भी मिलेगा ठीक है तो बहुत ही यूजफुल बहुत ही यूजफुल चैप्टर है इसको सही ढंग से समझना आप देखो फर्स्ट रीड द डिफिनेशन ए इंटीजर्स इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स आर फाइव वन फाइव एट नाइनटी सेवन एंड थ्री थाउजेंड फोटी थ्री ओके एंड एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर्स आर वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट नाइन सेवन अभी तो इसका अंदर लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है हमने तो पढ़ लिया देखो तो डेफिनेशन जितने भी होते हैं ना आपको जितनी भी बुक्स मिलेगी सारी बुक्स के अंदर डेफिनेशन आपको डिफरेंट मिलेगी तो हमें डेफिनेशन को तो पढ़ना ही है लेकिन साथ में उसको सेटिंग से, से समझना है कि डिफिनेशन में लिखा हुआ क्या है डेफिनेशन है क्या इंटीजर्स के बारे में बता रहा है और साथ में उसके अंदर क्या वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके अंदर लिखो आप ए इंटीजर इज़ ए होल नंबर सबसे पहला आ गया होल नंबर ये होल नंबर क्या होता है तो देखो होल नंबर को हम बोलते हैं ज़ीरो टू इन्फिटी इन्फिटी का साइन होता है ऐसा देखो मैं इसको सेटिंग से साइड से करना बना देता हूँ ज़ीरो टू इन्फिनी अभी इन्फिटी क्या होता है अगर आपसे मैं पूछूँ नंबर का सबसे एंडिंग पॉइंट कौन सा है सबसे लास्ट नंबर कौन सा है तो नंबर कभी एंड नहीं होता है ठीक है नंबर का कभी भी एंड होगा ही नहीं नंबर इनफाइनाइट है लिमिटलेशस है काउंट लेस है नंबर हमेशा आगे चलते रहेंगे ठीक है तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना जिसका कोई भी लिमिट नहीं है जिसका कोई एंड नहीं है उसको हम बोलते हैं इन्फिनी हिंदी के अंदर इसको अनंत बोलते हैं आपने सुना होगा कि वन वर्ड के अंदर कि जिसका कभी कोई अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत और अनंत जो है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनी अकॉर्डिंग टू मैथ्स द साइन ऑफ इन्फिनिटी लाइक दिस यानी इन्फिटी का जो साइन है ना वो अपने ऐसा होता है एट होता है ना एट को ऐसा करना, करना पड़ता है आपको हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है ओके तो होल नंबर्स के होल नंबर्स क्या होता है पहले इसको समझो ज़ीरो टू इन्फिनीटी ज़ीरो टू इंफिनिटी के बीच सारे नंबर सारे ना जैसे वन टेन फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्स एट जीरो ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं ना ये सारे होल नंबर्स में आते हैं ओके okay? तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट होल नंबर जीरो टू इन्फिनिटी, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी जो भी नंबर आएंगे सारे चाहे वो कोई भी नंबर हो टू हंड्रेड सेवन हंड्रेड वो सारे किस में आएंगे होल नंबर्स के अंदर आएंगे ओके होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो अब इसको समझने के लिए आप है ना आपको एक बार चलना पड़ेगा नंबर लाइन के पास नंबर लाइन से आपको में और इजी यह रहेगा यहाँ से तो देख लिया डेफिनेशन देख लिया आपने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो जस्ट वेर इज द नंबर लाइन यस अब इसको सेटिंग से देखो से आप अभी हमने क्या पढ़ा था इंटीजर्स आर होल नंबर होल नंबर में क्या आएगा जीरो जीरो टू तो इन्फिनी देखो ये वन टू थ्री फोर ये जो नंबर है ना ये इससे आगे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक है तो सारे नंबर तो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते हमें तो अपना काम है हमें तो उसको समझना पड़ेगा समझने के हिसाब से जो फाइव तक लिखा है ना वो हमारे लिए सफिशेंट है ओके अब आप देखो इसके अंदर ये जो ये जो नंबर है ना इनको बोलते हैं होल नंबर्स और आगे भी चलते रहेंगे ये सारे आपने अभी तक है ना ये नंबर लाइन कहीं ना कहीं देखी जरूर है ठीक है नंबर लाइन क्या यूज़ आती है नंबर लाइन के अंदर ये क्या नंबर्स लिखे हुए हैं यही लिखे हुए क्यों होते हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले पीछे डिफिनेस के अंदर एक वर्ड आया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक है वो आप डेफिनेट से में देख मैं देख लें मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रफली लिख रहा हूँ ओके अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है देखो अकॉर्डिंग टू साइंस साइंस के अंदर पॉजिटिव क्या होता है अगर आप कहीं पे कोई टेस्ट करवाने जा रहे हो तो बोलते हैं ना डॉक्टर आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब वो जिस रिपोर्ट के लिए आप गए थे ना वो सही है ठीक है ना जैसे कि कोई अगर मान लो मलेरिया के लिए गया है कोई ब्लड टेस्ट के लिए गया है तो वो पॉजिटिव का मतलब है कि उसको मलेरिया है ठीक है कोई करता है रिपोर्ट नेगेटिव आई है इसका मतलब वो जो भी डिजीज़ के लिए जिस बीमारी के लिए गया है उसके अंदर नेगेटिव है उसको वो बीमारी नहीं है ये तो होता है साइंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है आपको पता होगा है ना जिसका पॉजिटिव सेंस होता है जिसका नेगेटिव सेंस होता है वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है तो उससे हमें मतलब नहीं है हमें समझना है मैथ्स के अकॉर्डिंग मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव क्या होगा मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव देखो आप पॉजिटिव वर्ड जहाँ पर आएगा ना मैथ्स के अकॉर्डिंग वहां पर आपको पॉजिटिव का मीन्स बनना है प्लस से किससे प्लस ओके जहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है वो प्लस की बात कर रहा है ओके एंड नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस ओके पॉजिटिव का मतलब प्लस एंड नेगेटिव का मीन्स माइनस तो अब यहाँ पे देखो जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाया वह भी है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स के पास में देखो सबके पास आपको माइनस हो करेगा है ना इन सब के पास माइनस हो गया क्या सर अभी तो आपने बोला था कि पॉजिटिव के पास में प्लस आएगा देखो इसके पास तो प्लस है ही नहीं तो हर में सर ध्यान रखना है मैथ्स के अंदर कभी भी किसी भी नंबर के पास में अगर कोई साइन लिखा हुआ नहीं है किसी भी नंबर के पास में कोई साइन आपको शो नहीं कर रहा है तो वो नंबर कैसा है पॉजिटिव पॉजिटिव को शो करना ज़रूरी नहीं है बट नेगेटिव माइनस को आपको शो करना पड़ेगा ठीक है तो माइनस का तो हमेशा शो हो जाएगा प्लस का सो करना जरूरी नहीं है अगर मैं आपसे पूछूँ फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन ये जो फिफ्टीन लिख है पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इट इज़ पॉजिटिव ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास कोई भी साइन नहीं है और कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं हम उसको मानते हैं प्लस एंड प्लस मीन्स पॉजिटिव तो आई होप कि पॉजिटिव और नेगेटिव सबको समझ में आ गया होगा अब आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद में इंटीजर्स ये इंटीजर्स क्या है देखो जितने भी होल नंबर्स होते हैं ना जीरो टू इन्फिनीटी ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर थोड़े से सो किए हैं अगर मैं सारे होल नंबर्स को मिला दूँ और उन सारे नंबर्स के जो पॉजिटिव है ना उनके साथ में उनको नेगेटिव में भी ले जाऊँ यानी कि देखो पॉजिटिव तो ये है वन टू थ्री फोर फाइव एंड नेगेटिव में क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव ठीक है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन दोनों का जो कलेक्शन है ना अगर हम दोनों हम इन दोनों को साथ में मिला दें एड कर दें दोनों को इनका एक इन अलग से ग्रुप बना दें और साथ में जीरो साथ में जीरो ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स क्या बोलते हैं इसको इंटीजर्स ठीक है एक बार देखो इसको वापिस एडेंग से बता दूँ मैं आपको ये सारा इरेज करके होल नंबर्स या आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो ज़ीरो को काउंट नहीं करना है ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है एक बार बिफोर टू ईयर्स नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है ना नवोदय के एग्ज़ाम में ज़ीरो का आया था कि ज़ीरो कैसा नंबर है ज़ीरो इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो इज़ ए नेगेटिव इंटीजर ऐसा क्वेश्चन आया था तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने रोक गया था उसको ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ज़ीरो आपको यह बताएगा कि जो मेरे से लेफ्ट साइड है न इस साइड ये नेगेटिव है और जो मेरे से राइट right साइड है वो कैसे है वो पॉजिटिव है ओके okay? तो ज़ीरो आपके नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है जीरो आपको ये बताएगा कि जो मेरे से बड़े हैं जो मेरे से ज़्यादा है जो मेरे राइट हैंड साइड में है वो कैसे होंगे सारे सारे पॉजिटिव और ज़ीरो के जो लेफ़्ट के अंदर है वो सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव ओके उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ सुन आगे होगी और पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स एंड ये जो, ये क्या हो गया ज़ीरो ठीक है इन सबको को जो मिलाते हैं ना ये जो कम्प्लीट ना ये इंटीजर्स होते हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और जीरो भी क्या है जीरो भी एक इंटीजर्स है ठीक है अब आप देखो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो वापस ताकि आपको जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस किया ना वो सारी चीजें हमें समझ आ जाए जस्ट ए सेकेंड यस देखो एन इंटीजर्स इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक इंटीजर है वो हमेशा क्या होगा होल नंबर में से कुछ भी होगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है अब यहाँ पर देखो थोड़े से एग्जाम्पल लिखे हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटीजस फाइव वन फाइव एट नाइन्टी सेवन थ्री जीरो थ्री जीरो फोर थ्री थ्री थाउजेंड फोर्टी थ्री ये सारे नंबर कैसे हैं ये सारे इंटीजर्स हैं अब देखो सर आपने इंटीजर्स तो बता दिया थोड़े से एग्जाम्पल वो बताओ जो इंटीजर्स नहीं है तो देखो उसके लिए ये नीचे यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल ऑफ नंबर दैट आर नोट इंटीजस आर वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट नाइन सेवन अगर आपने इन दोनों नंबरों को सही ढंग से कंसिडर किया तो देखो इसके बीच में आपको कभी भी जो इंटेजस होते हैं ना इंटेजस के बीच में आपको कभी भी पॉइंट नहीं मिलेगा ठीक है इंटेजस के बीच में आपको कभी भी पॉइंट नहीं मिलेगा ठीक है कभी पॉइंट नहीं, नहीं मिलेगा आपको और अगर किसी भी नंबर के पास में पॉइंट आ गया लाइक दिस 1.5 एंड 2.97 तो ये नंबर इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं होंगे इसीलिए देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स देट आर नॉट इंटीजर्स जो इंटीजर नहीं है ये उनके एग्जाम्पल है तो कन्फ्यूज में तो होना है पर सीधी सी बात है आपको इसको इतना सा कंसिडर करना है कि जिसके पास पॉइंट आ गया नंबर के साथ में पॉइंट आ गया नंबर विच हैविंग पॉइंट आर नॉट इंटीजर्स जिन नंबर के पास में पॉइंट होगा वो नंबर इंटीजर नहीं होगा अब वो इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर इसका हम अलग से एक पूरा चैप्टर ले लेंगे उसके अंदर मैं आपको टाइप ऑफ नंबर्स करवा दूंगा तो टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी ठीक है अभी के लिए हम इंटीजर्स डिस्कस कर रहे हैं तो इंटीजर्स को एक बार पढ़ लेते हैं पूरा ओके तो देखो सर में आ गया सबको इंटीजर्स क्या होगा कंप्लीट नंबर होगा जिसके अंदर पॉइंट नहीं होगा और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है और साथ में ज़ीरो भी हो सकता है ओके okay? अब आप देखो इनका यूज़ कहाँ पर आएगा और ये कैसे मल्टीप्लाई वगैरह के अंदर ये कैसे बीच में है ना कन्फ्यूज़न करते हैं ये ये जो है ना यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आपके जो मैं नेक्स्ट आपको लिखवा रहा हूँ ना यस yes. ये ये जो है ना ये स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न का जो है ना इंटीजर्स के अंदर ये वाला टॉपिक है अभी इसको सही ढंग से, से समझो आप क्या लिखा हुआ है इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको डिटेल से बताता हूँ एक बार इसको पहले साइड में कर लो पहले हम इसको पढ़ लेता है ये yes. देखो क्या लिखा है पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव ठीक है अब देखो इसमें ये लिखा हुआ क्या पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बताया था प्लस मल्टी प्लस और आंसर भी क्या आ रहा है इसका प्लस इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार ताकि कोई बुझ नहीं रहेगा प्लस मल्टी प्लस इज इक्वल टू प्लस ओके नेगेटिव माइनस मल्टी माइनस प्लस सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहां पर मोस्टली बच्चों से पूछते हैं माइनस मल्टी प्लस मल्टी प्लस प्लस तो सर माइनस मल्टी माइनस क्या होना चाहिए प्लस होना माइनस मल्टी माइनस क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए लेकिन होता क्या है प्लस होता है इसको सही सही ढंग से समझना है आपको अब इसमें देखो नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या आएगा नेगेटिव इसमें देखो पॉजिटिव मल्टी नेगेटिव आंसर क्या आ गया नेगेटिव इन चीज़ों को सही ढंग से समझो आपके इंटीजर्स का जो 90 परसेंट का जो पोर्सन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है देखो मैं आपको एक अलग से तरीका बताता हूँ इसको लर्न करने का हमेशा देखो अगर दो सिमिलर साइन है ना दोनों साइन अगर एक जैसे हैं सिमिलर का मतलब एक जैसे है दोनों साइन अगर सिमिलर हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव है ना इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव है इधर भी नेगेटिव नेगेटिव है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस अगर दो सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमेशा प्लस बनाएंगे देख लो इधर ऊपर वाले के अंदर पहले इधर भी दोनों सेम हैं इधर भी दोनों कैसे हैं सेम है अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे ये तो हो गया अपना कंप्लीट अब आप नीचे वाले में देखो जस्ट इसका रिवर्स कर दो यहाँ पर दोनों कैसे थे यहाँ पर दोनों सेम थे यहाँ पर दोनों कैसे होंगे डिफरेंट अगर कभी भी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं लाइक नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव तो आंसर हमेशा क्या आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा ठीक है आपको इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा ऐसे ही इसको रखो ताकि आपके बीच में बार बार कन्फ्यूज़न ना हो ठीक है बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है ठीक है एक बार वापस देख लो मैं एक बार उसको बता दूँ वापस अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा सिमिलर साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस 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 मल्टी प्लस प्लस एंड माइनस मल्टी माइनस इज इक्वल टू प्लस दोनों तो साइन एक जैसे तो प्लस और दोनों साइन अगर डिफरेंट तो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव ओके अब देखो आप इसका हम इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है ना उनको सही रंग से देखते हैं जो इसके पास में लिख हुआ भी है मैंने लिखे इधर साइड के अंदर इसको देखो सही रंग से आप देखो टू मल्टी थ्री इज इक्वल टू सिक्स ये तो सबको मेरे हिसाब से काफी टाइम से सबके पढ़ा हुआ है तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तो देखो हम इसको, इसको इंटीजर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इसको पहले छोड़ो यहाँ से देखो आप सेकंड नंबर माइनस टू मल्टी माइनस थ्री ये देखो ये क्या है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्रैकेट क्या बोलते हैं ब्रैकेट ये ब्रैकेट आपके होते हैं थ्री टाइप्स के ट्रेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इसका अलग से कोई चैप्टर आएगा ना बोर्ड मास के अंदर उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे अभी के लिए इसको आप देख लो कि ये जो ये ब्रैकेट है ना ये ब्रैकेट यहाँ पे क्यों आ गया तो उसका रीज़न ये है अगर आप सही ढंग से देखोगे इसके अंदर तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस सॉरी माइनस एंड मल्टीप्लाई दो साइन आपको पास में दिख रहे हैं मैथ्स का रूल है दो साइन कभी पास में ऐसे नहीं आएंगे अगर दो साइन पास में यूज़ में ले रहे हैं तो हमें एक साइन को क्या करना पड़ेगा क्लोज़ करना पड़ेगा उसको सेपरेट करना पड़ेगा तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है माइनस अगर इसलिए हमने क्या लगाया है ब्रेकेट यहाँ पे यूज़ में लिया अगर ये ब्रेकेट नहीं होता तो मल्टीप्लाई और माइनस क्या आता पास में आता तो ऐसा मैथ्स के अंदर उसको इम्प्रॉबर मानते हैं वो सही नहीं मानते हैं ठीक है ना तो उसको प्रॉपर वे में लिखने के लिए आपको ब्रेकेट यूज़ में लेना पड़ेगा ब्रेकेट क्या हो गया काम कंप्लीट अब आप देखो माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री नंबर मैं आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा नंबर मुझे सबको पता है कि टू को थ्री से मल्टीप्लाई करने से सिक्स आ जाएगा ये सबको पता है ठीक है एल के के जो बच्चे हैं वो भी इजिली इसको कर सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इजिक्वल टू सिक्स ठीक है हमें इंटीजर्स को समझना है नेगेटिव पॉजिटिव को समझना है यहाँ पर देखो टू मल्टी थ्री सिक्स टू मल्टी थ्री सिक्स टू मल्टी थ्री सिक्स एंड टू मल्टी थ्री सिक्स साइन का हिसाब देखना एक बार सही रंग से इसको प्लस ये कैसा है पॉजिटिव और थ्री भी कैसा है इसके अंदर पॉजिटिव 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 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है पॉजिटिव तो देखो ये भी सिक्स कैसा है पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव तो दिख ही नहीं रहा है मैंने क्या बताया था नंबर के पास में कोई साइन नहीं है तो हम हमेशा उसके अंदर क्या मानते हैं प्लस मानते हैं ठीक है सेकेंड नंबर देखो नेगेटिव मल्टी नेगेटिव देखो इसके पास भी नेगेटिव इसके पास भी नेगेटिव नेगेटिव मीन्स माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे पॉजिटिव इसके पास भी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया है ना पास में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं इसमें देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव ये रहा नेगेटिव और ये नंबर कैसा है पॉजिटिव तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा देखो ये रहा नेगेटिव ओके लास्ट वाला देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो टू यहाँ पर पॉजिटिव है और माइनस थ्री यहाँ पर क्या है नेगेटिव तो पॉजिटिव मल्टी नेगेटिव क्या Minus, आ गया माइनस सिक्स आ गया नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओनली साइन चेंज होगा ठीक है और मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसको सेटिंग से डिटेल से समझना मैंने जैसे बताया था ना आपको आप उसी तरीके से करना सिमिलर साइन अगर है दोनों तो हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पर दोनों सेम प्लस यहाँ पर भी दोनों सेम प्लस यहाँ पर दोनों डिफरेंट है साइन इन दोनों के अंदर डिफरेंट साइन है तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसाब से गया होगा ठीक है अब आप देखो इसके बेस्ट हैं ना इसके अकॉर्डिंग हम थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ठीक है ताकि मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दे दूँगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा इसका वापस रिविज़न भी हो जाएगा ओके यस मैं आपको इसके अंदर करवा देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू टेन वी डिस्कस इन क्लास एंड रिमेनिंग टेन मीन्स एलेवन टू ट्वेंटी इट विल बी योर होमवर्क ओके ऊपर के जो टेन है ये मैं आपकी अभी करवा दूंगा यहाँ क्लास के अंदर ठीक है और जो नीचे का जो टेन है ना वो आपको करना है अपने होमवर्क के अंदर ओके नौ सोलह वन टू टेन यस नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है आपको ओनली दो चीज़ों का ध्यान रखना है अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो वह हमेशा क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे और अगर दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो वह हमेशा क्या बनाएंगे नेगेटिव और मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर नंबर बी मैंने छोटा लिखा है यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई सेवन आंसर क्या आएगा ट्वेंटी वन ओके नंबर तो ट्वेंटी वन आ गया अब आप साइन का देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव इसके पास में प्लस लिखा है तो भी ठीक है अगर मैंने प्लस नहीं लिखा है तो भी वो पॉजिटिव होगा ठीक है इसका आंसर क्या आ गया पॉजिटिव सेकेंड नंबर देखो इसका सेवन मल्टीप्लाई बाई टू आंसर विल बी फोर्टीन अब फोर्टीन तो आ गया लेकिन साइन देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट सेन आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओके okay? ठीक क्या हो जाएगा माइनस नंबर थर्ड देखो इसका प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू पे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेल्व अब साइन देखो पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए प्लस मल्टी माइनस तो आंसर क्या आएगा इसका माइनस ओके नंबर फोर प्लस मल्टी प्लस प्लस सिक्स मल्टी सेवन फोर्टी टू ओके नंबर फिफ्थ के लिए मैं इसको इरेज़ को दो एक बार दस ट सेकेंड यस माइनस एट मल्टीप्लाई बाई सिक्स सिक्स मल्टी एट फोर्टी एट प्लस मल्टी माइनस माइनस इसका आंसर क्या आएगा माइनस प्लस मल्टी प्लस प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाई सेवन नाइन मल्टीप्लाई बाई सेवन सिक्सटी थ्री अब ये देखो ज़ीरो 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 इन टोटल है ना सेवन एट नाइन और टेन इन सबके अंदर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है ज़ीरो और ये हमेशा आपको नोट करना है इसके अंदर अगर आप कभी भी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ठीक है वैन यू मल्टीप्लाई ज़ीरो विद अ नंबर द नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आंसर हमेशा क्या आएगा ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो क्या सर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस जीरो नहीं आएगा क्या अभी मैंने बताया था ज़ीरो कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें सर में आगे होगी जीरो का क्या करना है आपको अगर मल्टीप्लाई में कहीं पर भी ज़ीरो दिख रहा है सिंगल ठीक है ना तो वो ज़ीरो क्या कर देगा सबको मल्टीप्लाई में ज़ीरो कर देगा ठीक है उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अब ओके नाउ लुक एट योर होमवर्क प्लीज़ जस्ट अ सेकेंड ऊपर के टाइम मैंने करवा दिए नंबर के जो इसके एलेवन टू ट्वेंटी है ना ये आपको होमवर्क अंदर करना है ओके okay, ये आपका होमवर्क है एलेवन टू ट्वेंटी फॉर यू जस्ट अ सेकेंड देखो ये जो है ना ये मैंने आपको बता दिया जस्ट अ सेकेंड ये डिफिनेशन वगैरह तो हो गई और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा स्टोर करना है क्या इसको देखो फर्स्ट वाट इज द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज़ फाइंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है ना उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं ठीक है, है तो इसको सोल्व करना है ईजी वे से आराम से हो जाएगा ठीक है ना एक आपको ये करना है साथ में देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसको आप सेकंड नंबर मान लेना ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको भी आपको सोल्व करना है ठीक है देर आर थ्री नंबर्स थ्री इंटीजर्स माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वो भी आपको यहाँ सामने लिखना है ठीक है ये तीनों नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे सबको तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर जो आंसर आएगा उसको इसे मल्टीप्लाई करना है ठीक है इजी आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट के अंदर लिख देना ठीक है और या फिर मुझे वापस मैसेज कर देना ओके नेक्स्ट यस इसमें देखो व्हाट इज द क्वेश्चन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन एंड दिस देर आर फोर इंटीजर्स माइनस फोर प्लस टू माइनस वन एंड प्लस फाइव यहाँ पर आपको फोर इंटीजर्स कैसे यहाँ पर इनको करना क्या है अगर क्वेश्चन को सेंटर देखो से तो क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है कैसे मल्टीप्लाई लिखा है इसका मल्टीप्लाई कर साइन सो क्यों नहीं कर रहा है तो देखो एक बार थोड़ा सा पीछे चलो वापस हमने डिस्कस किया था जहाँ पर ब्रेकिट यूज में आता ना ब्रेकिट अगर ब्रेकिट के बीच में कोई भी साइन नहीं है जैसे यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी, भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है ब्रेकिट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो हम हमेशा क्या मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं क्या मानते हैं मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई ओके इन सब के बीच में आपको मल्टीप्लाई मान के सोल्व करना है और इन फोर नंबर्स के बीच में भी आपको मल्टीप्लाई मान के सोल्व करना है ठीक है आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ठीक है तो टेन तो वो हो गए अपने इलेवन टू ट्वेंटी ठीक है और इलेवन टू ट्वेंटी के बाद में ठीक है वन टू थ्री एंड फोर टोटल फोर्टीन क्वेश्चन हो गए आपके ठीक है इन फोटीन का आंसर आपको सही ढंग से लिखना है और जो आप आंसर सेंड कर रहे हो ना तो जहाँ तक हो सके कर ट्राई करो कि आप अपना नेम एंड क्लास साथ में मेंशन करो होमवर्क के अंदर ठीक है और फिर हमें सेंड करो और इसके अंदर देखो अब आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए टेन तो वो हो गए और फोर ये टोटल होमवर्क क्वेश्चन हो गए फोर्टीन ठीक है ज़्यादा नहीं है वो जो ये टेन दिया तो बहुत ईजी है ठीक है इनका आंसर इनके सामने हो जाएगा आराम से ओके अब आप देखो इसके अंदर जाते जाते एक आपको काम और करना है मैंने आपको पहले ही बताया था ये देखो चैनल के ऊपर है ना ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको है ना मैथ्स बेसिक मैथ्स एंड डिजनिंग बाय राम इसके अंदर पास में ये जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियो है इसको आपको लाइक करना है शेयर करना है फिर भी कोई अगर ये तो कुछ ऐसे डिटेल से पढ़ने के बाद में अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे या तो कमेंट में इस वीडियो के नीचे कमेंट में मैंशन कर दो या फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसके ऊपर मैसेज सेंड कर दो ओके फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको में आ गई ठीक है घर पर रहना है एंड कीप लर्निंग कीप डूइंग योर वर्क ऑन टाइम ओके और वर्क बहुत अच्छा करना है कर देखा था कल आपको ग्रुप के अंदर काफ़ी बच्चों का नाम आया था तो सारे बच्चे वर्क अच्छा करो ताकि आपका भी नाम आए ओके okay?